सात सदस्यीय टीम भी आई थी भारत सरकार की तरफ से। स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत क्या है राज्य के अंदर में, अस्पताल में क्या है, उनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट जो दे रहे हैं उसकी रतक इस बात का पूरा पूरा प्रचायक है कि राज्य की जो सरकार है, जो उसके जो कस्टोडियन है, गंभीर नहीं है। और इस गंभीरता को आपके समय पर यह क्रिमिनल एजेंसी है वंदे से लोगों ने माना है जिस दिन से घटना घटी है, तो क्रिमिनल एजेंसी के लिए इसमें छुट्टी किस लिए पर फिक्स की जाएगी। आदरणीय सिप्टी साहब ने, आदरणीय सदानंद राय ने, जो दलित जी ने भी बात कहा, नवीन साहब ने कहा कि आखिर इस पॉजिटिव कौन लेंगे। अगर किसी थाने में कोई घटना होती है तो थानेदार सस्पेंड हो जाते हैं, कहीं पर और पर इसकी संयुक्ता होती सस्पेंड हो जाते हैं। तो प्रथम दृष्टिया में ये आपराधिक मामला है, इतने बड़े इतने बच्चे की मौत, उनकी क्रांत देखकर पार्टियों को सोने दे रही है, उनकी क्रांत कहीं ना कहीं आपकी इस आर्थिक असफलता है उस पर कहीं न कहीं आपको प्रेरित कर रहा है। कह कि प्रधानमंत्री ने जो संवेदना व्यक्त कर दिया, जब क्रिकेट खिलाड़ी पर चोट आता है ट्वीट कर देते हैं प्रधानमंत्री जी, करना भी चाहिए। कथा सुनने वाले की मौत होता है ट्वीट करते हैं, करना चाहिए। ये संवेदना का मान्य कहे हम उसके प्रति आस्था दिखाते हैं, पर महोदय लंबे दिन के बाद नदी में डूब जाते हैं तब शरण में आकर के आप जब टैग करता है बिहार के लोग आपके ट्विटर हैंडल पर, माननीय प्रधानमंत्री जी इतने बच्चे की मौत विभाजक चूक हुए हैं, लगातार जब ट्विटर हैंडल पर आपके टैग किए जाते हैं तो आप राज्यसभा में बातें रखते हैं। आपकी स्पेशी की है हर्षवर्धन जी के सवाल पर 2014 में जो आपने बयान दिया उसका तत्पुष्ट 2019 में कर दिया आपने, वही पुराने चीजों को आपने परोस दिया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो प्रथम दृष्टि में मैं मानता हूं इस राज्य में कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कई उस पर यूएसपी पर सवाल खड़े हुए हैं, इस्तीफा लोगों ने दिया है, इन्होंने स्वीकारा नहीं है। तो आज जो सवाल सामने खड़ा है व्यवस्था नहीं चलेगी, कहीं न कहीं प्रथम दृष्टा में जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कस्टोडियन है डिपार्टमेंट के, उनको लेनी पड़ेगी। नैतिकता के आधार पर लोग अधिकृत निवास मकानों पर जो लगातार 2006 से लेकर 2019 तक जो बच्चे की मौत हो रही है, उस बच्चे की मौत पर रोकथाम के लिए आपने डायरेक्टिव प्रोविजन स्पेशल किया था, आपने उसके प्रधान किया था, क्या कर सकते हैं? अगर ललित जी ने जो कहा कि पीसी की जो हाल है, और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि जो सुझाव अलग सिक्की साहब ने दिया है उस स्तर का पीएससी होनी चाहिए राज्य के अंदर में, सिर्फ अस्पतालें बन जाए, विद्यालय बन जाए, उससे सिर्फ सुधार हो जाए, यह मेरा मानना है कि उचित नहीं है। जब तक क्वालिटी नहीं होगा इसके अंदर में, डॉक्टर नहीं होंगे, तो कहां से आप इसके निराकरण का बात उपाय सोच सकते हैं? कि कहा कि जब पीएससी के हाल बेहाल है, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कहीं लोकतंत्र में दुनियाद की बात करते हैं, हम तो पुराने लोगों से सीखते हैं, जो वरिष्ठ यहां नेता लोग हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, जिनके लंबे उम्र है सदन के अंदर में, उनका कहना है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, तो लोकलाज कहीं न कहीं शर्मसार हो रहा है। तो आपके आगे बढ़ कर करके नैतिकता का तकाजा मानते हुए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि राज्य के अंदर में ये मैसेज जाए, देश में मैसेज जाए कि बच्चों की मौत पर वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सफलता को मानते हुए इस्तीफा दिया। आपके और स्तर बढ़ जाएंगे, राजनीतिक पद भी बढ़ जाएंगे अगर आप ये करते, लेकिन सात दिन के बाद जानते हैं क्रिकेट का स्कोर पूछते हैं, आप जैसा गंभीर व्यक्ति बच्चों की मौत पर क्रिकेट का स्कोर पूछो, इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। आपके स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो जाते हैं बच्चों की मौत पर, इनको जो कहते हैं विपक्ष का सवाल नहीं है, ये सवाल पर राजनीतिक तकाने दृष्टिकोण से नहीं, यथार्थ के दृष्टिकोण से है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आदरणीय स्पीकर साहब ने धज जी ने इस गंभीरता को हर हाल में बहाल रखा है, और आसन की जो कहीं न कहीं मरे वो मान और सम्मान बढ़ेगा आने वाले कल में। स्पीकर साहब ने कहा एक कार्य स्थगन कभी कभी ऐसे मौके होते हैं जब राज्य के अंदर समय के अंदर में कार्य स्थगन मंजूर किए जाते हैं, तो आज जो कार्य स्थगन मंजूर हुए हैं बच्चों की मौत हुई है, इससे बड़ा सवाल और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम दरखास्त करेंगे कि निश्चित तौर पर इसकी गंभीरता